बुझी समा भी बदल सकती है, तूफानों से किस्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों। तो आज फिर से हम देखते हैं, आज एक नया जिला लेकर के आए हैं। तो कल जिस प्रकार से हमने जिला देखा था, आज उसी प्रकार से हम माँ का नाम लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे, माँ कुआरी का नाम लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे और सरस्वती माता की वंदना करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। हम उसी प्रकार से जिलों को पढ़ेंगे जिस प्रकार से हम जिलों को पढ़ते आए हैं। तो हम जिला आज पढ़ेंगे कौन सा, टीकमगढ़ जिला, जो कि आपने थंबनेल पर देखा होगा। तो जिस प्रकार से हमने कल जिलों का परीक्षण किया था, उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हर स्टेप को देखेंगे, कितना इसका जनसंख्या घनत्व, कितना इसकी साक्षरता है, क्या क्या इस जिले में कौन सी परियोजना चल रही है, क्या चल रही है, इस प्रकार से हम देखते हुए आप लोगों का प्यार पाते हुए चलेंगे आगे की ओर। तो देखते हैं, हम शुरू करेंगे कि आज कौन सा जिला पढ़ना है। तो हम देखते हैं टीकमगढ़ जिला को देखेंगे, कौन सा जिला, टीकमगढ़ जिला, टीकमगढ़ को पढ़ेंगे हम। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कहाँ पे ये जिला है, तो मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, मैप से ही पढ़ेंगे, तब हमें ज्यादातर सुटेबल रहेगा। तो हम मैप से पढ़ेंगे, देखते हैं हम सबसे पहले इसका गठन देखते हैं, गठन कब हुआ था, क्या इसकी जनसंख्या है, क्या इसका क्षेत्रफल है। तो गठन से हम चालू करते हैं। तो टीकमगढ़ जिले का गठन कब हुआ था, गठन देखने जाएंगे तो 1956 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। इसके बाद में इसका जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या क्षेत्रफल देखते हैं हम, सेकंड नंबर पर क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल टीकमगढ़ जिले का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल को देखने जाएंगे हम, तो 3730 वर्ग किलोमीटर तो टीकमगढ़ का क्षेत्रफल 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 2011 की नहीं, ये वर्तमान अपडेट है। यदि कहा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार टीकमगढ़ का क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में टीकमगढ़ जिले से एक नया जिला बना हुआ है जिसका नाम निवाड़ी है, उसको हम कल पढ़ेंगे, इसके बाद में बताएंगे, कुछ आज ही बताएंगे और कुछ इसके बाद में कल बताएंगे, तो लास्ट में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से एक जिला नया बना है जिसका नाम निवाड़ी होगा, तो उसको हम देखते हैं। तो जो न्यू क्षेत्रफल है इसका, तो 3730 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। इसके बाद में इसकी देखते हैं साक्षरता, साक्षरता देखते हैं तो 61.43%। यदि कहा जाए कि यहाँ की साक्षर अर्थात पढ़े लिखे व्यक्ति कितने हैं, तो 61.43%। यदि जिला के हिसाब से लिया जाए इसको, तो कितना स्थान है इसका, 43वां स्थान है। यदि जिला वाइज लिया जाए तो 43वां स्थान है। यहाँ पे कितना लिखा है, 43, क्योंकि 61.43% लिखा है, तो इसी का यहाँ पे 43वां, या इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। यदि इसकी जनसंख्या कही जाए, क्या पूछे, वो जनसंख्या पूछे, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड, ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर आ रहे हैं तो बहुत काम आएगा। तो जनसंख्या पूछे, तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 14,45,166 कितनी हो जाएगी, 14,45,166 यहाँ की जनसंख्या है। यदि यहाँ पर जनसंख्या के क्षेत्र में इसको देखा जाए, यदि जनसंख्या को उसमें ना आंका जाए, तो इसका कौन सा स्थान है, तो 23वां स्थान हो जाएगा। यदि जनसंख्या के उसमें देखा जाए तो 23वां स्थान है। और इसके बाद में देखते हैं हम लिंगानुपात, लिंगानुपात देखेंगे यहाँ का, कि टीकमगढ़ का लिंगानुपात क्या है, तो देखेंगे हम 901 महिला प्रति हजार व्यक्ति
प्रति हजार व्यक्ति, हजार व्यक्ति, सॉरी इसके लिए क्योंकि मैंने हजार नहीं लिखा था, तो यहाँ पे जो जनसंख्या जो लिंगानुपात है 1901 महिला। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं हम कि 1901 महिला क्या है। यदि यहाँ पे देखते हैं हम 901, मैंने यहाँ का लिंगानुपात कितना लिखा 901 लिखा, यहाँ पे नीचे 1000। यदि यहाँ पे कितने पुरुष होंगे 1000 पुरुष होंगे, कितने 1000 पुरुष होंगे, इनमें से महिलाएं अर्थात लड़कियां कितनी होंगी तो 901 होंगी, जो कि इनमें से यदि यहाँ पे सम्मेलन हो तो 1000 लड़कों में यहाँ पे 901 लड़कियां हैं और 99 लड़के क्या हैं ऐसे ही रह जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको देखते हैं, आगे देखते हैं इसको रब करने के बाद। चलो अब आगे देखते हैं हम लिंगानुपात देखा हमने सबसे, अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व, कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व है क्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे 286 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 286 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व जो दिया है 286 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ का जनसंख्या घनत्व दिया गया है। यदि उसने हमसे क्या पूछा है कि जो टीकमगढ़ जिला है इसमें कितनी तहसील है, तो तहसीलों को देख लेंगे हम, तहसीलें देखने जाएंगे तो 6 तहसीलें हैं यहाँ पे कुल, टोटल तहसीलें कौन कौन सी हैं, कितनी तहसीलें हैं तो 6 तहसीलें हैं उनको देख लेंगे हम। तहसीलें तो सबसे पहले तो हो जाएगी टीकमगढ़ के बाद में हो जाएगी अपनी मोहनगढ़ के आगे हो जाएगी बलदेवगढ़। सब में क्या लगा हुआ है, गढ़ लगा हुआ है, टीकमगढ़ के बाद मोहनगढ़ के बाद बलदेवगढ़। अब यहाँ पे देखने जाएंगे हम तो बलदेवगढ़ के बाद पलेरा के बाद जतारा के बाद खरगापुर। तो देखो यहाँ पे गढ़ लगा था तो सभी जगह क्या लगा हुआ है, गढ़ यहाँ पे लगा है, गढ़ यहाँ पे लगा है, गढ़ यहाँ पे लगा है, रा यहाँ पे लगा है। तो देखते हैं टीकमगढ़, मोहनगढ़, बलदेवगढ़, पलेरा, जतारा और खरगापुर। तो कितनी तहसीलें हैं, 6 तहसीलें, कुल जो टीकमगढ़ जिला है उसमें कितनी तहसीलें हैं, 6 तहसीलें हैं। यदि मैं कहूँ कि इसका जो स्पर्श जिला है, स्पर्शी जिला कौन सा हो जाएगा, इसको देखते हैं स्पर्शी राज्य, तो इसको मैप के माध्यम से देखेंगे, अभी बनाएंगे हम तो पहले इसको लिख लेते हैं। स्पर्शी जिला के माध्यम से कहा जाए स्पर्शी जिला को लेंगे हम, स्पर्शी जिला यहाँ पे देखेंगे हम छतरपुर और निवाड़ी कौन सा बनेगा, छतरपुर और निवाड़ी। अब यदि स्पर्शी राज्य कहा जाए तो स्पर्शी राज्य को देखते हैं हम, स्पर्शी राज्य कौन सा है, स्पर्शी राज्य हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश कौन सा बन जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब इसको हम मैप पे देखते हैं, किस पे देखते हैं, मैप पे देखते हैं, तो इसको हम रब कर देंगे, फिर हम मैप बनाएंगे और मैप के माध्यम से समझेंगे कि उत्तर प्रदेश छतरपुर जिला में छतरपुर है कि नहीं है, ऐसे ही है। तो देखेंगे मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे, मैप बना करके देखते हैं हम, समझेंगे मैप के माध्यम से। इस टाइप से कुछ मैप बना हुआ है, जैसे भी मानिए। यहां पे देखेंगे हम, यहां पे जो यहां से बाउंड्री डालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T4 टीकमगढ़, यहाँ पे N4 निवाड़ी। टीकमगढ़ से अलग होकर के कौन सा जिला बना है, निवाड़ी बना है। यहाँ से जो ये दिख रही है बाउंड्री, यहाँ से क्या है ललितपुर, L4
ललितपुर, यहाँ पे झांसी, H4J4 झांसी बनाया गया, J4 झांसी बनाया। यहाँ पे देखते हैं ये वाली बाउंड्री तो हो जाएगी MP की इस साइड से, लेकिन जो ये वाली बाउंड्री है ये किसकी है, उत्तर प्रदेश की। ये कौन सा राज्य लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कौन सा है, छतरपुर है अपना, कौन सा जिला है, छतरपुर है। यहाँ पे देखते हैं टीकमगढ़ के जस्ट इस साइड कौन सा है, छतरपुर। टीकमगढ़ के जस्ट इस साइड कौन सा है, तो निवाड़ी जिला हो जाएगा। तो जिला तो दोनों हमारे कंफर्म हो गए, लेकिन उसने कहा कि कौन सा राज्य। अब उसने यदि हमसे वो पूछेगा कि जो टीकमगढ़ है ये किसको, किस राज्य से बाउंड्री बनाता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य से, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे कौन सा राज्य बन जाएगा अपना, महाराष्ट्र बनेगा। यहाँ पे गुजरात, ये राजस्थान हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे यदि देखने जाएंगे कि इस साइड जो उत्तर में है, तो टीकमगढ़ के उत्तर में, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे यदि इसकी उत्तर प्रदेश का उसने ये पूछा कि टीकमगढ़ पे जो कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का टच करता है, तो झांसी। यदि इसने यहाँ पे कहा तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ललितपुर बन जाएगा। टीकमगढ़ को ललितपुर ही टच करता है, तो दो जिले इसको उत्तर प्रदेश के टच करते हैं। तो यहाँ पे बाउंड्री किस किस को टच करती है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को टच करती है। देखते हैं अब आगे। अब यदि उसने ऐसा कहा, हमसे क्वेश्चन पूछा उसने कि मध्य प्रदेश का ऐसे, मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जो कि स्वयं के स्टेट के एक जिले को क्या करते हैं, टच करते हैं, और अदर स्टेट को टच करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे हम मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर के जस्ट ऊपर कौन सा है, नीमच, कौन सा है, नीमच है। तो नीमच की जो बाउंड्री है अपने स्वयं के स्टेट के जिले, तो स्वयं का स्टेट का जिला तो कौन सा है, मंदसौर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो टीकमगढ़ है, यहाँ पे निवाड़ी है, तो यहाँ पे स्वयं का स्टेट तो कौन सा हो जाएगा, निवाड़ी, तो ये टीकमगढ़ है। तो और तो कोई जिला इसको टच करता नहीं है, बाकी अदर स्टेट तो यूपी यहाँ पे। यदि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तीन ओर से राजस्थान इसको टच करता है। तो देखते हैं ऐसे कितने जिले हैं, तो पहला जिला कौन सा बनेगा, नीमच, और द्वितीय जिला कौन सा बनेगा, निवाड़ी। ऐसे कितने जिले हैं, दो जिले हैं। इतनी बात कंफर्म है, इसके आगे देखते हैं। अब ये देखेंगे कि निवाड़ी जिले के, सॉरी टीकमगढ़ जिले के अंदर कित कौन कौन सी नदियां बहती हैं, नदियों को समझेंगे, नदियों को देखते हैं, देखेंगे और लिखते हैं, नदियों को लिखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। नदी हेडिंग बनाएंगे हम, नदी, नदी। तो नदी देखने जाएंगे हम कि कौन कौन सी नदियां जो टीकमगढ़ जिले से बहती हैं। तो देखेंगे यहां पे जामनी, जामनी, जामनी के आगे धसान, धसान के आगे पहोज, पहोज के आगे बनेंगी अपनी जमदार, जमदार नदी। कौन कौन सी, जामनी, धसान, पहोज और जमदार। यदि मैं इसको लू पहोज नदी को, पहोज नदी का यदि उसने पूछा कि पहोज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो हमारे टीकमगढ़ जिले में। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा कि पहोज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो हम लगाएंगे टीकमगढ़ जिले में। अब उसने यदि हमसे ये कहा कि पहोज नदी का दूसरा नाम क्या है, यदि पहोज नदी उसने नहीं दिया है, तो वह देगा हमको पुष्पावती, क्या देगा, पुष्पावती। यदि उसने कहा पुष्पावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, या पहोज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो कहाँ पे वर लगा देंगे हम, टीकमगढ़ जिले की पहाड़ियों में है, तो टीकमगढ़ से इसका क्या है, उद्गम है। और यदि उसने हमसे कहा कि झांसी में इसी पहोज नदी पर, झांसी में, जो झांसी यहाँ पे जिला हमने बताया था, झांसी उत्तर में, तो झांसी में एक पहुंच डैम बना हुआ है इसी नदी पर, पहुंच या पुष्पावती नदी पर, झांसी में एक पहुंच डैम बना हुआ है। इसी पहुंच नदी के किनारे कहां पे, दतिया में, दतिया में बालाजी, बालाजी मंदिर बना हुआ है, बालाजी मंदिर बना हुआ है। तो पहुंच नदी के बालाजी सूर्य मंदिर बना हुआ है, बालाजी सूर्य मंदिर,
सूर्य मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? तो दतिया में। दतिया में यदि उसने क्वेश्चन पूछा कि बालाजी सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो पहुंच नदी के किनारे, यदि पहुंच नदी नहीं मिलेगा तो कौन सा मिलेगा? पुष्पावती नदी मिलेगा, ये कन्फर्म है। अब इसके बाद में देखते हैं जमदार नदी। जमदार नदी को देखते हैं, टीकमगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? यदि उसने पूछा टीकमगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो जमदार नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? जमदार नदी के किनारे। अब हम देखेंगे नदी के आगे देखते हैं हम, हाँ ये टीकमगढ़ का औद्योगिक केंद्र देखेंगे कि टीकमगढ़ का औद्योगिक केंद्र कहाँ पे। वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि टीकमगढ़ जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, कौन से पठार के अंतर्गत आता है, तो वो पठार देखेंगे। तो टीकमगढ़ बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है टीकमगढ़। और संभाग कौन सा लगता है, तो संभाग हो जाएगा अपना सागर। किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो सागर संभाग। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो देखते हैं कितने जिले आते हैं। तो उसकी एक ट्रिक है अपने पास में, ट्रिक, तो ट्रिक को पढ़ेंगे हम, छठी प्रसादनी। यदि हम एक ट्रिक को याद कर लेंगे तो सागर संभाग के जितने भी जिले होंगे सभी हमें याद हो जाएंगे। छ से हो जाएगा छतरपुर, टी से हो जाएगा टीकमगढ़ जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी, टीकमगढ़। पा से हो जाएगा पन्ना, सा से हो जाएगा सागर, दा से हो जाएगा दमोह, नी से हो जाएगा निवाड़ी। तो सभी जिले जो कि एक ही ट्रैक में है, तो कितने जिले हैं, छह जिले हैं। कितने जिले सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं, तो छह जिले बनेंगे। तो जो एक एक करके हमने यहाँ पे देख लिए हैं, तो सभी सागर संभाग के अंतर्गत आते। यदि उसने कहा कि टीकमगढ़ जिले का जो औद्योगिक केंद्र है वो कौन सा है, तो औद्योगिक केंद्र देखने जाएंगे हम। औद्योगिक केंद्र को भी हम धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे चलेंगे कि टीकमगढ़ का औद्योगिक केंद्र, तो यहाँ पे औद्योगिक केंद्र लिखेंगे, औद्योगिक केंद्र को देख के चलेंगे हम। औद्योगिक केंद्र क्या हो जाएगा, प्रतापपुरा। कौन सा हो जाएगा, प्रतापपुरा। यदि उसने हमसे ये कहा औद्योगिक केंद्र क्या है, प्रतापपुरा, इसके आगे देखते हैं हम कि जो टीकमगढ़ का किसने बसाया था, कौन कौन से यहाँ पे थे, दो लोग थे जिन्होंने इसे बसाया है, किसके नाम पर टीकमगढ़ का नाम पड़ा, तो उसको देखते हैं हम, नोट में लिखेंगे हम, नोट में। टीकमगढ़ का जो पुराना नाम था वो क्या था, टेहरी था, टेहरी। यदि उसने कहा कि टीकमगढ़ का पुराना नाम क्या था, तो हम लगाएंगे टेहरी। कौन सा लगाएंगे, टेहरी। अब जो कि वर्तमान समय में इसे पुरानी टेहरी, ये तो पुराना नाम है उसका, लेकिन जो वर्तमान समय में उसे कहते हैं, तो वर्तमान समय में यहाँ पे वर्तमान लिख देता हूं मैं, वर्तमान समय में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो पुरानी टेहरी के नाम से जाना जाता है। जब टीकमगढ़ नाम पड़ा इसका, तब किसने भगवान अर्थात यहाँ पे यादव ज्यादा पाए जाते हैं, यादव ज्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा जानवर अधिकता में होगा, तो बकरी यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। टीकमगढ़ जिले में बकरी का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। तो जो कृष्ण भगवान है, भगवान कृष्ण के अन्य नाम अर्थात टीकम, अन्य नाम भगवान श्री कृष्ण के अन्य नाम टीकम के नाम पर क्या पड़ा है, टीकमगढ़ नाम पड़ा है। तो हम इसको भी देखते चलेंगे। अब यहाँ पे जो महान व्यक्ति हैं जो कि उनको देखते चलेंगे, प्रसिद्ध व्यक्ति के कौन कौन व्यक्ति ने यहाँ पे जन्म लिया है, तो यदि इतना समझ में आया होगा तो आगे की ओर बढ़ेंगे हम। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति ने जन्म लिया है, तो देखते हैं हम, प्रसिद्ध यहाँ पे बनाएंगे, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति।
जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो यहां पे देखेंगे हम नाम, नाम बनेगा अपना सुश्री, सुश्री उमा भारती। कौन सी? उमा भारती। उमा भारती जी का जन्म कहां पे हुआ है? तो टीकमगढ़ जिले के टुंडा ग्राम में। कहां पे? डूंडा ग्राम में। डूंडा ग्राम है वहां पे, एक छोटा सा गांव है। तो उनका जन्म, नाम क्या है? उमा भारती। और उनका जन्म कहां हुआ है, कब हुआ है? तो जन्म देखेंगे यहां पे, जन्म 3 मई 1959 को, 1959 को टीकमगढ़ जिले के कहां पे? डूंडा ग्राम में। डूंडा ग्राम, डूंडा ग्राम में कहां पे? टीकमगढ़, टीकमगढ़ में। यदि बात कही जाए कि मध्य प्रदेश का 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ का क्या हो गया है? विभाजन हो गया। ये कहा जा सकता है कि जो डूंडा ग्राम है ये अभी भी टीकमगढ़ में है कि जो नेवाड़ी में है उसमें पहुंच गया? नहीं, ये डूंडा ग्राम आज भी कहां पे है? टीकमगढ़ जिले में ही स्थित है। यदि उसने पूछा कि डूंडा ग्राम कहां पे है, तो पूछेगा तो है नहीं, लेकर ये पूछेगा कि मतलब डूंडा ग्राम, उमा भारती का जन्म कहां हुआ था? तो डूंडा ग्राम में हुआ था, 3 मई 1959 को हुआ था। अब आगे और देखते हैं, अगला, इनका जो कार्य क्षेत्र है, इन्होंने कहा कि क्या किया है, तो कार्य क्षेत्र देखते हैं। जो उमा भारती है इन्हीं का कार्य क्षेत्र देखते हैं हम, कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र देखने जाएंगे हम, तो ये क्या है? भारतीय, भारतीय राजनीति। इन्होंने क्या किया है? राजनीति की है, अर्थात भाजपा, भाजपा की ये क्या रही है? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही है? तो उमा भारती रही है। किससे? भाजपा से, और भाजपा से। तो अब आगे देखते हैं, कार्य, इन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था, एक इन्होंने प्रसिद्ध नारा, नारा दिया था इन्होंने, क्या नारा दिया था? तो उसको देखते हैं आप, उमा भारती ने कौन सा नारा दिया था? श्री श्री राम लला, श्री राम लला घर आएंगे, आएंगे मंदिर, मंदिर वहीं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बनाएंगे श्री राम लला घर आएंगे मंदिर वहीं, वही नहीं लिखा है यहाँ पे, वही लिखा है कि आप यहाँ पे वही बनाएंगे, तो राम लला नहीं बनाएंगे है? कि आप यहाँ पे वही पढ़ने लगो, तो यहाँ पे वही बनाएंगे, जहां पर वो आएंगे वहीं पे क्या बनाएंगे? मंदिर बनाएंगे। तो राम लला जहां आएंगे घर आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर, ये उन्होंने क्या दिया था? नारा दिया था। अब आगे देखते हैं, अगले और व्यक्ति कौन थे? तो उस व्यक्ति को देखते हैं, मृणाल पांडे। कौन से थे? मृणाल पांडे। तो इनका क्या क्या, कब इनका जन्म हुआ था, क्या हुआ था, तो इसको देखते हैं हम, मृणाल पांडे। नेक्स्ट व्यक्ति, जो सेकंड व्यक्ति था उनका नाम क्या था? तो मृणाल पांडे, मृणाल पांडे। इनका जो जन्म कहां हुआ था? जन्म, जन्म हुआ था 26 फरवरी 1946 को। कब हुआ था? 26 फरवरी 1946 को। कहां हुआ था? टीकमगढ़ में हुआ था, टीकमगढ़, इनका प्रॉपर टीकमगढ़ में ही हुआ था जन्म। तो मृणाल पांडे, यदि उसने कहा कि मृणाल पांडे का जन्म कहां हुआ था, तो 26 कब और कहां हुआ था, तो 26 फरवरी 1946 को कहां हुआ था? टीकमगढ़ जिले में हुआ था। इसके बाद में इनका देखते हैं कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र देखने जाएंगे, तो इन्होंने क्या क्या किया है अपने जीवन में? तो ये क्या थे? ये संपादक, संपादक, लेखक, संपादक, लेखक और संपादक, लेखक और पत्रकार, लेखिका, लेखिका थी और पत्रकार। जब इन्होंने संपादक, लेखिका, पत्रकार, जब लेखिका होगा,
लेखिका या लेखक या लेखिका होगी तो उसने कुछ तो कुछ रचना की होगी कि नहीं की होगी। यहाँ पे देखते हैं हम रचनाएं, रचनाएं, रचना पहली कौन सी थी उनकी, तो विरुद्ध, कौन सी थी विरुद्ध, एक चार दिन का, चार दिन का जीवन, जीवन तेरा, चार दिन का जीवन तेरा, ये उन्होंने क्या की थी, रचनाएं की थी, दो चार उसने उन्होंने रचनाएं की थी, तो जो कि यहाँ पे दो रचनाएं हैं, एक विरुद्ध एक चार दिन का जीवन तेरा। अब इसके बाद में जीवन तेरा नहीं, चार दिन की जवानी तेरी, चार दिन की जवानी, जवानी तेरी, चार दिन की जवानी तेरी, तो ये उनकी रचनाएं थी। अब आगे देखते हैं, हमने क्या देखा है कि जो कृष्ण भगवान के नाम पर इनका नाम पड़ा है, तो अब आगे देखते हैं हम वहां पे पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, पर्यटन स्थल को देखेंगे हम, पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थल के बारे में देखते हैं हम कौन कौन से हैं पर्यटन स्थल। नंबर एक पे देखेंगे हम कुंडेश्वर, कुंडेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर जो अत्यधिक किसको प्रसिद्ध है, कुंडेश्वर, जो यहीं पर टीकमगढ़ जिले में, स्वयं ही टीकमगढ़ जिले में है, जो कि कुंडेश्वर भगवान अर्थात भोलेनाथ को समर्पित मंदिर है। दूसरा देखते हैं हम हनुमान, हनुमान चालीसा, चालीसा मंदिर, हनुमान चालीसा मंदिर, तो ये किसको समर्पित है, हनुमान जी को समर्पित है, लेकिन इसका आकार जो है कुतुब मीनार के समान है, बिल्कुल कुतुब मीनार के आकार के समान किसका है, हनुमान चालीसा मंदिर है, उसी टाइप से बना है, उसी डिजाइन से बना हुआ है, तो हनुमान चालीसा मंदिर किसको समर्पित है, हनुमान जी को समर्पित है। पापोरा, पापोरा, पापोरा जी जैन, जैन मंदिर, पापोरा जी जैन मंदिर, जो कि पपोरा जी का जैन मंदिर, जो कि किसको, जैन, जैन को समर्पित है, जैन भगवान, जैन लोगों के भगवान को समर्पित है। अब यहाँ पे अगला देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं टीकमगढ़ टेहरी किला, टीकमगढ़, टीकमगढ़ टेहरी, टेहरी किला, टीकमगढ़ टेहरी किला, ये टीकमगढ़ टेहरी किला कहाँ पे स्थित है, तो टीकमगढ़ में ही स्थित है। अब देखेंगे हम तालकोटी महेंद्र सागर, ताल, तालकोटी महेंद्र सागर, ये भी कहाँ पे है, टीकमगढ़ जिले में ही स्थित है। तो तालकोटी महेंद्र सागर कहाँ पे है, यदि उसने पूछा कि तालकोटी महेंद्र सागर कहाँ पे स्थित है, तो टीकमगढ़ जिले में ही स्थित है। जितना भी था तो हम अभी बता चुके हैं। इसके बाद में नदियों के बारे में हमने पढ़ा ही है कि कौन कौन सी नदी है, कहाँ पे कौन का उद्गम यहाँ पे होता है, टीकमगढ़ में हुआ है, और कौन कौन सी इस जिले से होकर के गुजरती हैं। तो अब इसके बाद में देखते हैं हम थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं निवाड़ी को, इसके आगे कल देखेंगे उसको। जो निवाड़ी जिला है, एक सबसे पहले क्वेश्चन खड़ा होता है, आज उसको बताएंगे नहीं, ओनली स्पीच करेंगे। तो निवाड़ी जिला है जो किस जिले से अलग होकर के बना है उसको देखेंगे हम, और किसका कितनी जनसंख्या है इसको, सब प्रत्येक चीज को देखेंगे। तो निवाड़ी जिला जो है टीकमगढ़ से अलग होकर के बना है, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, जो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक बताया था उसमें। अब उसमें कहा जाए कि निवाड़ी है जो ये दूसरे किस राज्य को अपनी बाउंड्री टच करता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य को टच करता है। किस राज्य को टच करता है, उत्तर प्रदेश को राज्य को टच करता है। ऐसा मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा एकमात्र अपना जिला को ही टच करता है दूसरा राज्य, मध्य प्रदेश का ऐसा दूसरा जिला जो अपने ही राज्य के एकमात्र जिले को टच करता है, तो अपना निवाड़ी बनेगा। यदि उसने कहा है कि जो निवाड़ी जिला है इसमें कितनी तहसीलें हैं, तो तीन तहसीलें हैं, कौन कौन सी, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर।
जो पृथ्वीपुर तहसील, जो ओरछा तहसील है, इसमें कौन कौन से मंदिर हैं, क्या क्या है इसमें? तो इसमें हो जाएगा रामलला मंदिर, रामलला मंदिर हो जाएगा, इसमें लाला हरदौन मनौती महान हो जाएगा, और जो ओरछा है, ओरछा को किसने बसाया था? तो चंदेल राजाओं, बुंदेल राजाओं और राजपूत राजाओं ने इसे क्या किया था? बसाया था। इसके बाद में देखते हैं हम, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी है। अब जो 53वां जिला अभी घोषित हो गया है, जो कि मैंने कल पढ़ा दिया है, इसके आगे हम किसको पढ़ेंगे? निवाड़ी को पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। साथियों लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजें। प्रतिदिन जिला दर्शन एक एक जिला कराया जाएगा। जय हिंद। प्रत्येक दिन प्रत्येक जिला कराया जाएगा।